जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर 6 और 7 जनवरी का। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। 6 और 7 जनवरी 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, MP करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लाया है फ्री प्लान, जिसमें आपको यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, जिस टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको पढ़ने का सुनहरा मौका है। इसी के साथ आपको यहाँ पर 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लास हैं, डाउट्स क्लियर आपका सेशन होता है, और यहाँ पर 20,000 प्लस आपके यहाँ पर क्वेश्चन हैं, जिस मॉक टेस्ट हैं और जिसका एनालिसिस बताया जाता है। और भी आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी फायदे हैं अनअकैडमी। यहाँ पर अगर आप फ्री प्लान एक्सेस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, और इसमें सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड याद रखें। और एक और जरूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए प्लस बैच, जिसमें आपके ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपनी मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें से कुछ बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ जो बैच हैं वह जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी, और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बहुत मदद करने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं प्री प्रिपरेशन का रामबाण, तो अनअकैडमी लेकर आया है यहाँ पर अनलिमिटेड आपके लिए 60 दिन का एबैच कोर्स है। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 4 जनवरी को। इसमें आपको पूरा प्री कोर्स रिवीजन होगा डेली दिन में, और मिलेगी डेडिकेटेड लाइव MCQ सेशन डेली शाम को। इसमें इनरोल करने के लिए आप बिल्कुल भी देरी मत करें। और यहाँ पर आपको क्या है, अगर आप अपनी स्पीड में रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्री के लिए यहाँ तो आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है आपका हो गया है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको 270 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड सेशन मिलेंगे और अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट क्लियर सेशन में जाकर इसका जो है डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है तो देख लें, मध्य प्रदेश में कब से कब तक में भी डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है। तो कब से कब तक है में भी डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है, तो 4 विकल्प है आपके सामने, आंसर बनता है तो आपके लिए कमेंट में बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 2, यानी कि 4 से 22 जनवरी तक, 4 जनवरी से 22 जनवरी तक अभियान चलाया जा रहा है। कौन, मैं भी डिजिटल अभियान। यहाँ पर देख लें, पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन करने के लिए प्रेरित करने और प्रशिक्षण दिलाने के लिए 4 से 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में मैं भी डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि PM स्वनिधि योजना में लाभ के लिए मध्य प्रदेश के कितने पात्र शहरी पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है। तो कितने पात्र शहरी पात्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है PM स्वनिधि योजना में लाभ के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 4, यानी कि 4,78,000 यह जो है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। PM स्वनिधि योजना में लाभ के लिए मध्य प्रदेश के 4,78,000 पात्र शहरी पथ विक्रेताओं को यहां पर चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि हाल ही में किस प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब BRDL की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो किस शहर में यह बताना है, शिवपुरी में, रीवा में, सागर में या भोपाल में। 4 विकल्प हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर सागर, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सागर में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पर देख लें, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है विश्वास क्याला सारंग ने 1,81,63,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति यहाँ पर जारी की है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है कि निम्न में से किस जिले का चयन राजस्व विभाग द्वारा कोर्स पद्धति से जमीन का सीमांकन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। तो किस जिले का चयन बताना है यहाँ पर, तो वह जिला है भोपाल है, हरदा है, सीहोर है या उपरोक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, उपरोक्त तीनों आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा कोर्स पद्धति में जमीन का सीमांकन 31 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल, हरदा, सीहोर, भोपाल एवं देवास जिलों का इसमें चयन किया गया है। तो यह जिले हैं कौन कौन से, भोपाल हैं, हरदा है, सीहोर है और देवास, यह आपके जो 4 जिले हैं इनका चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में चलने वाली टैक्सियों एवं बसों के लिए किस शहर में कमांड कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। तो वह शहर बताना है आपके लिए, वह कौन सा शहर है जहां पर कमांड कंट्रोल जो है स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर भोपाल, जबलपुर, सीहोर, इंदौर राइट आंसर है आपका यहाँ पर, भोपाल विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। यहाँ पर देख लें क्या है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में चलने वाली टैक्सियों एवं बसों में यात्री निर्भर होकर यात्रा कर सकें, इसके लिए भोपाल में कमांड कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की टैक्सी एवं बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर यात्री उसका उपयोग कर सकेंगे। कंट्रोल रूम को मैसेज मिलते ही स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्यवाही की जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो खंडवा जिले में किस नर्मदा नदी पर बन रहे हैं यह, और यह भारत का ही नहीं, मध्य प्रदेश का ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से जो है वर्ष 2022 और 23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो यह किस राज्य में है, खंडवा जिला, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। और यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बन रहे जो 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा से कब से इससे सौर ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो 2022 और 23 से इससे सौर ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3,000 करोड़ रुपए है। सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे, बांध का जल स्तर कम ज्यादा होने पर यह स्वतः ऊपर नीचे एडजस्ट होती रहेंगी। तेज लहरों और बाढ़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अब तक कितने स्व सहायता समूह गठित किए हैं। तो स्व सहायता समूह गठित किए हैं तो कितने किए हैं यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 870 स्व सहायता समूह यहाँ पर गठित किए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित वर्गीय महिलाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अब तक 870 स्व सहायता समूह गठित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बनाए गए 2500 किचन सेट और 7100 किचन गार्डन का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 जनवरी को यानी कि आज ही मिंटो हॉल में प्रदेश में जो है बनाए गए 2500 किचन सेट और 7100 किचन गार्डन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। कब करेंगे, 7 जनवरी यानी कि आज ही के दिन। अगला क्वेश्चन है, रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इंदौर शहर में शहरी मजदूरों और प्रवासियों के लिए 2022 तक
कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है तो कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि 200। 200 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है। रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इंदौर शहर में शहरी मजदूरों और प्रवासियों के लिए 2022 तक 200 घर एवं वर्किंग महिलाओं के लिए 100 बेडेड हॉस्टल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो बताइए मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां पर केबल कार प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो यह योजना बनाई गई है कहां पर? इंदौर में, विकल्प नंबर 4 आपका यहां पर राइट आंसर है इंदौर। इंदौर शहर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह नेटवर्क मेट्रो और BRTS के फीडर के रूप में कार्य करेगा। यह पूरी तरह सुरक्षित होगा। यह नेटवर्क सड़क, नदी और रेलवे लाइन के ऊपर से निकल सकता है। तो यह जो है इंदौर शहर में इसको बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर आप ऑलरेडी पहले से रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए संकल्प बैच स्टार्ट हो गया है आपका 28 दिसंबर से। यहाँ भी आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन होता है जिसमें आपके लिए 2 घंटे आपका जो है डाउट क्लियर सेशन होता है और 28 दिसंबर से यह बैच आपका शुरू हो गया है। अगर आप MPPSC की तैयारी शुरू कर रहे हैं एंड डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मेगा फाउंडेशन बैच कोर्स जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस और MP के टॉप एजुकेटर हैं, प्री PDF है, नोट्स हैं, वीकली मेगा क्विज भी आपके लिए यहां पर उपलब्ध हैं। तो अगर यहां पर एक बैच कोर्स की और बात करें स्वप्न पूर्ति, इसमें आपको जो है 35 दिन का आपका बैच कोर्स है जिसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आंसर राइटिंग के साथ आपकी 35 दिनों में इसकी जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो यह बैच कोर्स भी आपका शुरू हो रहा है स्वप्न पूर्ति अकेडमी में। आपको अपने घर में बैठे MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है और एजुकेटर जैसे शुभम जी हैं, यहाँ पर शुभम गुप्ता जी हैं, अभिषेक जी हैं, अमित जी हैं, MP के एक जो है टॉप एजुकेटर हैं। आइए तो अब जान लेते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं। बस आपके लिए प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आपको MPPSC सिलेक्ट करना है, फिर आपके लिए जो है प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर आप जो है इस पर जाकर आपको आप यहां से अपनी मन पसंद की जो बैच है वह आप यहां पर चयन कर लें। फिर आपके लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर यहां पर क्लिक करना है। इसमें आपके लिए आप देख सकते हैं यहां पर ये आपकी जो है कोर्स की प्राइस है। इस प्रकार आपके जो है कोर्स 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। इसमें आपके लिए सुमित जैन रेफरल कोड अगर आप करते यूज करते हैं सुमित जैन रेफरल कोड तो आपके लिए यहां पर 10% ऑफ में कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी पर पढ़ना शुरू करें। तो फिर देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और MPPSC व्यापम से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप के साथ। तो इस प्रकार जो है आपका करंट अफेयर था 2 दिन का, 6 और 7 जनवरी का, 6 और 7 जनवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंची। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम ग्रुप की, तो यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।